चोरी और अनोखी की कहानी में आज के एपिसोड में दिखाया जाएगा कि अनोखी कॉलेज से निकल रही होती है और यहाँ पर वो भाई बेबो की बातें सुन लेती है, शॉक्ड हो जाती है और अब वो अपना मन बना लेती है कि वो नहीं जाएगी शोरे से मिलने के लिए। लेकिन फिर उसके बाद में वो अपने फ्रेंड के समझाने के बाद पहुँचेगी रेस्टोरेंट जहाँ पर पहले से ही इंतज़ार कर रहा होता है शोरे और काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होता है। वो सोच रहा होता है कि पता नहीं मैं टीनेज के जैसे क्यों बिहेव कर रहा हूँ और बस वो क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, किस तरह से अपने दिल की बात कहनी है, सभी बारे में सोच रहा होता है, काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होता है। लेकिन दूसरी तरफ अनोखी का दिल टूट चुका है और वो कैसे तैसे रेस्टोरेंट पहुँचती है, लेकिन उससे पहले ही शगुन वहाँ एंट्री कर जाती है और शगुन उसके साथ डिनर करने बैठ जाती है और शोरे के फेस पर कुछ खाना लग जाता है और उसे साफ कर देती है और अनोखी वहाँ पर इन दोनों का इस तरह से देख लेती है और उसको लगता है कि शायद इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ जरूर है और अनोखी वहाँ से भागते हुए कॉलेज वापस आ जाएगी। दूसरे दिन दिखाया जाएगा शोरे बिल्कुल इंतजार ही कर रहा होता है लेकिन अनोखी नहीं आती और सुबह जाकर जब वो कॉलेज में पूछता है तो उसके बाद ने अनोखी से पूछता है तो अनोखी कह देती है कि आप शायद शोरे से आपने दिल तोड़ा है और मैंने सोचा था कि आप मेरे दोस्त बन चुके हैं लेकिन आप हम तो दोस्त भी नहीं हैं और वो काफ़ी उससे गुस्सा हो जाती है। लेकिन यहाँ पर शोरे उसे समझाने की कोशिश करता है और कहता है कि तुम पागल हो क्या, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और अपने दिल की बात उससे कह ही देता है। और अब यहाँ पर बड़ा ट्विस्ट आएगा कि अब देवी शोरे और अनोखी को दूर करने के लिए शगुन से कौन सी नई चाल करवाती है। और यहाँ पर जो फेस्टिवल आने वाला है यानी जो फेस्ट रखा गया है कल्चरल फेस्ट, उसकी तैयारियां चल रही है और यहाँ पर इसी बहाने से बार बार शोरे शगुन शोरे के करीब जाने की कोशिश करेगी और अनोखी को दूर रखने की कोशिश करेगी। लेकिन अब शोरे ने तो दिल की बात कह दी है लेकिन देखना ये कि अनोखी इसके बाद में क्या डिसीजन लेती है। तो आगे के एपिसोड के अपडेट भी हम आप तक पहुँचाएंगे। आज के एपिसोड कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताएं।